मेरी बेटी के पाँव के इतने इतने सुराख हो गए, छोटी सी बच्ची के, उसके पाँव पता नहीं वो चल भी सकती है कि नहीं चल सकती। नहीं, 8 साल के बाद हुई थी मेरी बेटी, इतनी बंदों के साथ ली थी। एक ही बेटी? हाँ जी। कितना सूद था? 10,000 रुपया। 35,000 दिया है, 35 दे भी दिया है, फिर भी पैसे दे रहे थे उनको वापस, लेकिन उन्होंने कह रहे थे नहीं हमारे ज़्यादा पैसे बन। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा एक हस्बैंड ही था, वो भी बिस्तर पे पड़ गए, मैं किसके आगे जाऊँ, किसके हाथ पिलाऊँ, कौन मेरा आके खर्चा पूरा करेगा। मेरे हस्बैंड अपनी बेटी को लेके बाहर निकले नाश्ता लेने के लिए, बस वो बाहर ही निकले हैं तो उनको हमारे बच्चों ने आके बताया कि उनको वो बाहर पड़े हैं, मैं आपकी बेटी भी और आपके हस्बैंड भी। क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि सूद लेना पड़ा? बस घर में वो किराए पे है, हमने उसका किराया देना था, किराया हुआ था इस वजह। हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, वो लोगों को सूद पे पैसे भी देते हैं और मिनशियात का भी काम करते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम और इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल मौजूद हूं, जहां मेरे साथ ये वो औरत मौजूद है जो बहुत बेबस हैं, जिनके हस्बैंड जो है वो भी हॉस्पिटल में है और 4 माह की बेटी जो है वो भी हॉस्पिटल में है। किस वजह से हॉस्पिटल? सिर्फ और सिर्फ सूद की खातिर। 10,000 का सूद था लेकिन बकाया जो है इन्होंने 10,000 की खातिर 35,000 वापस किए, इसके बावजूद इनका सूद ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन वो सूद ख़त्म ना होने की वजह से इनके हस्बैंड, उनकी बेटी हॉस्पिटल में है। किस लिए हॉस्पिटल में, किन्होंने ये इस तरह ये इतनी दर्दनाक जो है हरकत की हैं, ये सारी चीज़ें जो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपके हस्बैंड के साथ और आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को फायर लगाए हैं, उन्होंने 8-8 गोलियाँ मारी हैं उनके पाँव में। आपकी बेटी की एज कितनी है? 4 माह की है वो। 4 माह की बेटी है जी। कितना सूद था? 10,000 रुपया। 10,000 सोता दी, वापस कितने दिए? 35,000 दिया है, 35 दे भी दिया है, फिर भी पैसे दे रहे थे उनको वापस, लेकिन उन्होंने कह रहे थे नहीं हमारे ज़्यादा पैसे बनते हैं, हमें ज़्यादा दो। 10,000, 35,000 ले लिया, फिर ज़्यादा बनते हैं। हाँ जी। पहली दफ़ा सूद लिया, ये पहले भी कभी सूद लिया? पहली दफ़ा लिया था। इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि सूद लेना पड़ा? बस घर में वो किराए पे है, हमने उसका किराया देना था, किराया हुआ था इस वजह से। वो कौन लोग हैं जिन्होंने, मतलब ये आप उनको जानते हैं, रिश्तेदार हैं या नहीं? गैर हैं, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, वो लोगों को सूद पे पैसे भी देते हैं और मिनशियात का भी काम करते हैं वो लोग। आपको पहले नहीं पता था कि ये इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं? नहीं, कभी उन्होंने की नहीं है, लोगों के साथ करते होंगे लेकिन हमारे साथ मोहल्लेदारी थी, हमने कहा कि नहीं इस तरह नहीं करेंगे। कितने अरसे से मतलब ये सूद चलता आप पैसे देते आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया? 6-7-8 माह हो गए हैं। अच्छा, हुआ क्या था ये, वो कुआ किस टाइम हुआ, किस तरह उन्होंने ये आके जो है ना फायरिंग की? मेरे हस्बैंड अपनी बेटी को लेके बाहर निकले नाश्ता लेने के लिए, बस वो बाहर ही निकले हैं तो उनको हमारे बच्चों ने आके बताया कि उनको वो बाहर पड़े हैं, मैं आपकी बेटी भी और आपके हस्बैंड भी, उनको फायर लगे, खून में लथपथ सारा कुछ, मेरी बेटी के पाँव के इतने इतने सुराख हो गए। छोटी सी बच्ची के, उसके पाँव पता नहीं वो चल भी सकती है कि नहीं चल सकती, मुझे नहीं पता। कितने बच्चे आपके? नहीं, 8 साल के बाद हुई थी मेरी बेटी, इतनी बंदों के साथ ली थी। एक ही बेटी? हाँ जी। एक ही बेटी 8 साल के बाद पैदा हुई और उनके साथ इतना जुल्म, किसी ने रोका, किसी ने देखा कुछ? सभी ने देखा, मोहल्ले में सब ने देखा, फायर लगी है लेकिन बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। एक इतना मतलब आपको सिर्फ जरूरत थी 10,000 की, फिर आप अपना घर? आप नहीं, किराए पर है। किराए पे घर, अब आप किस तरह ज़िंदगी का गुजारा करेंगे? बच्ची भी आपके हॉस्पिटल है, जो आपके हस्बैंड कमाते थे वो भी हॉस्पिटल है। सर पता नहीं, अब हमारा अल्लाह ही वारस है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से, सबसे CPO से, कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरा एक हस्बैंड ही था, वो भी बिस्तर पर पड़ गए, मैं किसके आगे जाऊँ, किसके हाथ पिलाऊँ, कौन मेरा आके खर्चा पूरा करेगा। आपने FIR करवाई? हाँ जी, करवाई है। तो क्या रिस्पांस मिला कुछ उसकी तरफ से? कुछ रिस्पांस नहीं मिला, हम तो यहाँ पे ही हैं तब के, हमें तो कुछ नहीं पता। पुलिस वगैरह कोई नहीं आई? पुलिस आती रही है, पूछ के चली जाती रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर हैं। मैं अपनी बच्ची को भी देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी देख रही हूँ। आपके हस्बैंड पर कितनी गोलियाँ लगी? 7 गोलियाँ लगी उनके टांगों के अंदर। तो जो बेटी को, उसको अलहदा गोली? उनको अलहदा लगी है।
छोटी सी बच्ची, मुझे तो समझ नहीं आ रही, वो इंसान थे, वाकई इंसान थे या पता नहीं वो जानवर थे जिन्होंने मेरी मासूम सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। छोटी सी बच्ची जिसको इन्होंने ये नहीं देखा कि एक बच्ची है, मतलब बच्ची को गोद पे उठाया हुआ था, किस तरह उठाया हुआ था, वो इतनी देर के बाद हुई है, उसका पापा रोज उसको बाहर लेके जाता है, वो पहले भी हमें धमकी लगाते होते थे, उनके झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो आपने कभी वो गौर ही नहीं किया? नहीं, हमने कहा नहीं कुछ नहीं होता, कह रहे थे हमने तुमने हमारे पर पर्चा करवाया हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा, अभी करवाया नहीं था पहले कभी? नहीं, इनका झगड़ा हुआ था। ये मोटरसाइकिल ले गया था, कह रहा था सूद पे पैसे लिए तुमने वापस नहीं करने ना। हाँ। तो मैं ये मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे मियाँ ने जाके पर्चा करवा दिया इनके ऊपर कि ये बाइक ले गया, उन्होंने वापस बाइक ली मंगवाई है, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई, सुलह हो गई है, लेकिन ये चार दिन के बाद ही फिर ये हादसा वो करके चला गया। तो अभी तक कोई अगवा नहीं हुआ? अभी तक भी नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया अभी तक, कुछ किसी को गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, कोई भी नहीं, सारे वैसे ही घूम रहे अभी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी छोटी सी बेटी है, मैंने मन्नतों के साथ ली है। एक बच्ची है जिसने अभी आंखें खोली, अभी तो उसको पता ही नहीं है कि दुनिया क्या होती है या कुछ, माँ का भी अभी मेरे ख्याल से उसको इतना आइडिया भी नहीं होगा, और उसके उसको भी मजबूर कर दिया। तो हाँ जी, पता नहीं वो चल सकती है कि नहीं चल सकती, मुझे नहीं पता। डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी तक वो कुछ भी नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि ये करवा के लाओ वो करवा के लाओ, कल से हम यही करवा रहे, कभी एक्सरे करवा के लाओ, कभी सीटी स्कैन करवा के लाओ, कभी ये करवा के लाओ। दोनों पाँव पे गोलियां? दोनों पाँव पे है, मेरे हस्बैंड के भी दोनों टांगों पे है। तो चल ही नहीं सके? नहीं, वो चल ही नहीं सकते। छोटी सी मासूम बच्ची का क्या क्या कसूर था कि छोटी सी बच्ची के पाँव के ऊपर गोलियां मारी गई है? क्या कसूर था? एक सिर्फ 10,000, वो भी आपने 35,000 ले लिया, इसके बावजूद जो है उनके दिल जो है नरम नहीं हुए, बड़ी हैरानी की बात है। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? किस हद तक इंसाफ चाहिए? मुझे तो सबसे रिक्वेस्ट है मुझे कि मुझे इंसाफ चाहिए। लगता है हमारे माशरे में इंसाफ मिलता है? मुझे तो पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता, ना कभी घर से निकलते। अच्छा, ये आपके हस्बैंड करते क्या थे? मोटरसाइकिल मैकेनिक थे। मैकेनिक थे, दुकान थी उनकी, तो वही खर्चा लेके आते, वही याद लेके आते थे और हम खाते हैं। तो अब आपने सोचा कुछ? भी नहीं सोचा, हम तो घर रहते हैं, ना हमारे पीछे कोई कारोबार है, ना हमारे पीछे कोई पैसा है जो हम खा सके बैठ के। मैं ये सोच रही हूँ ये किस तरह ज़िंदगी क्या गुजारा होगा, किराया देना है, घर का खर्चा, फिर अभी मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है? बस ऐसे ही रिश्तेदार आते हैं, कोई इतने पैसे दे जाते हैं, कोई इतने दे जाते हैं, उसके साथ ही मेडिसिन का गुजारा कर रहे हैं। रिश्तेदार कितनी देर के देंगे पता नहीं अब। ये बताएं कि हॉस्पिटल की जानिब से कैसा रवैया आपके साथ हो, और कितने पैसे लग रहे हैं? कोई हॉस्पिटल से फ्री वगैरह का कुछ ऐसा? नहीं, फ्री कुछ भी नहीं है, बाहर से सभी चीज़ें हम बाहर से लेके आ रहे हैं, सारा कुछ बाहर से करवा रहे हैं। ये नहीं पता कि आप लोगों के पास मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है, मौजूद नहीं है जो आपका गुजारा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। आपने अपनी बेटी के लिए कभी ऐसा सोचा था किस दिन मेरी बेटी इस हालत में होगी, आपकी बेटी? नहीं, कभी नहीं सोचा था, हम तो इतने खुश थे उसको लेके। मेरी बेटी अभी बहुत तकलीफ में है, उसको नीचे नहीं ला सकती, मैं आपको दिखाती मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है। वो सामने जो है गोलियां लगी, तो आप किस तरह आपने बच्ची को देखा उस वक्त? आप मैं तो वहाँ पे बेहोश होगी, मुझे तो पता भी नहीं मेरी बेटी किधर है, मेरे हस्बैंड किधर है, लोगों ने पकड़ा हुआ था मोहल्ले में मेरी बेटी को भी, मेरे हस्बैंड को भी। आपकी बेटी होश में थी? हाँ, वो रोई जा रही थी, उसके पाँव में से खून निकली जा रहा था, वो रोई जा रही थी। बाप भी खून में लथपथ था, बेटी भी खून में लथ, दोनों ही थे। वजह ये हुई है, वो उनके मैंने देने थे पैसे, पैसे ही मैंने दे दिए उन लोगों को, ठीक है, सूद पे लिए थे, पैसे भी दे दिए और धमकी मुझे आगे दे रहे थे घर मेरे आकर, 2-3 मरतबा फायरिंग भी करके गए घर के बाहर, ठीक है। तो कल जो उनसे सुबह ना आए हैं, मेरे ऊपर फायरिंग की उन्होंने। कितने पैसे लिए? 10,000 रुपये लिया था उन्होंने। वापस कितने? 10,000 लिया था, 35,000 भी वापस दिया और 15,000 का मुकाबला कर रहे थे, तो मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने मुझे फायरिंग मारे, 7 फायर मुझे मारे, 6 फायर मेरी लड़की के लगे, बेटी मेरी को। बच्ची कितनी है आपकी? 4 मंथ की है। तो बच्ची को कहाँ फायर लगे? टांगों पे लगे, पाँव पे।
तो ये इनकी जाती दुश्मनी थी, कोई रिश्तेदार है या कोई नहीं दोस्त? कोई रिश्तेदारी कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। आपने FIR करवाई इनके? FIR करवाई हुई मैंने। तीन लोग थे, एक जो उनसे गुल खान से मैंने पहचान लिया, जो उनसे दो थे उन्होंने पहचान सकता मैं। देखिए एक बेबस मजबूर औरत है और ये अपील कर रही है कि मेरी, आपको किससे अपील करती हैं, किससे आप अपील करेंगी? मेरी CPO से, वजीर आला से, इनसे कुछ मिन्नत है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को भी इंसाफ चाहिए। मैंने बहुत मन्नतों से बेटी अपने लिए, बेटी जब बेटी बड़ी होती है ना तो बहुत सारे लोग में देखते हैं कि कहीं कोई ये ना हो ज़रा सा, ये बहुत सारे लोग नुक्स निकालते हैं। तो आपकी बेटी के अभी उसने कुछ देखा भी नहीं और आपकी बेटी को इन्होंने वो जख्मी कर दिए। पता नहीं वो चल सकती है, उसके पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसे निशान रह जाएगा क्या रह जाएगा। मेरे से तो वो बड़े बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इनकी किस तरह से बात सुनूँ, किस तरह ये चीज़ें करूँ। वो कितनी बेहिसी हो गई हुई है इस दुनिया में, चंद रुपये की खातिर, चंद पैसों की खातिर ज़िंदगी जो है वो ऐसे कीड़ी की तरह मारते हैं कि जैसे कोई कीड़ी होती है, चलती फिरती ज़िंदगी। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची जो 8 साल के बाद इनके यहाँ पैदा हुई, कितनी ख्वाहिशें लेके अपनी बेटी को ये देख रहे थे। इनको नहीं पता था कि अपने बाप के साथ इस तरह जाएगी, लेकिन मैं उसको इस तरह देखूँगी। आप लोग इनकी आवाज़ बने, आप लोग इनकी आवाज़ इतनी बने, इतनी शेयर करें इस आवाज़ को कि वो अपने कैफे किरदार तक पहुँच जाए और इनकी आवाज़ जो है उन इदारों तक चले जाए जो इदारे जो है इस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं यही कहूँगी, मेरी भी इनसे रिक्वेस्ट है कि इनकी आवाज़ बने और इनकी मदद के लिए ज़रूर जो है आए और इनकी हेल्प करें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। किसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।